जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट संतोष गुप्ता। करेंगे देश की बात सच के साथ। बिहार में आज क्या हुआ, देखिए ये खास रिपोर्ट। धमधा में आपको बता दें कि कुकरौन गांव में एक ऐसा विवाद सामने आ गया है जिसको लेकर प्रशासन को जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। आपको बता दें कि जमीन विवाद में अभी पिछले दिनों यादुका हत्याकांड जैसी घटना भी देखने को मिली है। बहरहाल अगर बात गरीबों की हो तो ऐसी नौबत भले ही ना हो, लेकिन मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा और तंगहाली का दौर चल पड़ता है, इस पर रोक लगनी चाहिए। आपको बता दें कि जहां एक पक्ष का यह आरोप है कि उनकी जमीन दूसरे पक्ष ने कब्जा ली है, तो वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि उन्हें तो सरकार ने मुफ्त में बासगीत के नाम पर हमें दिया है, तो हम क्यों यह जमीन छोड़ें। मामला पूर्णिया जिले के धमधा प्रखंड के अंतर्गत पंचायत कुकरौन गांव अमाड़ी कुकरौन वार्ड नंबर 13 की है, जहाँ संजय राम का घर बनने नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे क्या मामला है आप लोगों का? हमरा घर वाला के नाम से जमीन थी, हमरा घर चढ़वे ले नहीं दे। कौन? हमारा चुके थे पितल। कब से ये मामला है? 10 साल। वो कौन सा जमीन है, केवला आपका? हाँ, हमरा केवला। हमरा सब की जात है केवला। जो रसीद भी कटता है? रसीद भी कटता है। सारा पेपर है आपके पास? सारा पेपर। सीओ साहब के पास आवेदन दिए थे? सीओ साहब के पास आवेदन दिए थे? कोई फैसला नहीं, सरपंच मुखिया कोई फैसला नहीं। क्या बोले? सरपंच मुखिया कोई फैसला ना। पंचायती भी बैठाए थे? पंचायती बैठे कोई फैसला नहीं दे। थाना में भी लिखित आवेदन दिए थे? थाना में आवेदन दिलिए, सीओ वीडियो लगे लिए, कुछ कोई फैसला नहीं। सरकार से हम मांगता छे जे हमरा है ओकरा फैसला हेते तब कर देते। घर उठाबे ले चाहे छे ओकर घर ते त हमरा अपन घर चला दे छे। सरकार से त जहर खा के आप सुतरा हो की करब? जो आपका जमीन है उसमें आपका घर नहीं देता चलाने के लिए? ना। कौन वो पेपर बनाया कोई? ना, पेपर बना छे फर्जारी सिर्फ अथी की कछ पर्चा रसीद नहीं कटे छे। पर उसके पास रसीद नहीं कटता, पर्चा बनाया है फर्जारी। सीओ साहब के पास अभी आवेदन दिए? सबके पास आवेदन। अभी क्या बोला सीओ साहब? सीओ साहब का जांच हो जाएगा आज। हाँ। आपका नाम? आपका नाम फसल याद है। आपको बता दें कि संजय राम ने खाता 646 खेसरा 1879 रकवा 16.5 डिसमिल 2012 में खरीद कर रजिस्ट्री और मोटेशन करवा कर रसीद भी कटवा लिया। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा कि 2012 में उनका कहना है कि खरीदा था जमीन जिसका खाता 646 खेसरा 1879 और रकवा 16.5 डिसमिल है और जिसकी पक्की रजिस्ट्री और मोटेशन भी करवाया गया। कहते हैं कि मोटेशन के बाद जमीन खरीदार की हो जाती है, लेकिन यहाँ मामला उल्टा है और रसीद भी कटवा लिया गया है। लेकिन आरोप है कि दूसरे पक्ष दबंगई दिखाते हुए उस पर कब्जा कर घर बना लिए। अब गरीब करे तो करे क्या, सरकार के पास ही जाएंगे, शासन प्रशासन के पास ही जाएंगे, गुहार ही तो लगाएंगे, और अधिकारी सुने नहीं तो फिर उनकी हालत बदतर हो जाती है। संजय राम ने कहा कि गोपाल राम उनके जमीन पर जबरन कब्जा कर घर बना लिया है, और जबकि यह जमीन मेरे नाम है, मैंने खरीदी है, रजिस्ट्री कराई है, मोटेशन करवाया है और रसीद भी बाकायदा कटवा रहा हूं। अब देखिए दूसरा पक्ष का कहना है कि यह जमीन जो है वह बासगीत पर्चा के तहत उन्हें मिला है, अतः वह जमीन उसकी है और संजय राम रसीद भी कटा रहे हैं, लेकिन विभाग अब ये जांच करे कि किसकी जमीन है और किसकी नहीं। बहरहाल आपको बता दें कि संजय राम का आरोप है कि गोपाल राम ने जबरन उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है, घर बनाने वो जाते हैं तो मारपीट करते हैं, उनके साथ दबंगई दिखाते हैं, वो परेशान है कि करे तो करे क्या। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि एक बार उन्होंने आवेदन डीएसपी मैडम को भी दिया था, उस समय सीमा देवी पदस्थापित थी और वो निरीक्षण में भी गई थी, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही डीएसपी का तबादला हो गया और उनके तबादला के बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
एक बार फिर से वो परेशान होकर सीओ ऑफिस में जाकर आवेदन दे चुके हैं। अब विभाग के द्वारा न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि कोई तो आए इस समस्या का समाधान तो करे। वास्तव में इस समय भूमि सुधार का कार्यक्रम चल रहा है। एक को मुफ्त में बासगीत के नाम पर जमीन मिली है या नहीं मिली है यह तो जांच का विषय है, लेकिन उनका कहना है कि उन्हें बासगीत प्रचार के तहत दिया गया है। तो वहीं संजय राम का कहना है कि 2012 में, आज से 12 साल पहले, उन्होंने जमीन खरीदी, रजिस्ट्री करवाई है, मोटेशन करवाया है, रसीदें भी बाकायदा कटती जा रही है। अगर जमीन उनकी नहीं है तो रसीद क्यों कट रही है, और अगर जमीन उनकी है तो फिर उन्हें क्यों नहीं दिलवाई जा रही है। प्रशासन को चाहिए कि किसी भी प्रकार की अनहोनी या किसी भी प्रकार की घटना घटने से पहले इसका दूध का दूध और पानी का पानी हो। धमधा से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटो कॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़े। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।